I'm not gonna. No. Begin. I'm anyone. Let's start. So not only breaking. Yeah, only breaking, but thoda sa careful. हाँ हाँ, of course. But y'all have to say why and क्या दिमाग में रखती है y'all are breaking this. Okay. मैं क्या बोलूँ? आप कुछ मत बोलो. आप motivate करो लोगों को. Okay. Okay, start it, Sachin. Let's go. Let's go. Tell us why you're hitting this. किसको? आप conduct the interview कौन है? चल. Okay. Go go. बोल दो एक बार यहाँ देख के बोल. और किसी किसी का नाम ले रहे बट आई थिंक और उस पे उन्हें सिर्फ तनुज का नाम और तनुज का चेहरा नजर आता है. Guys? That's very, very untrue. I don't think anyone's been mad at Tadun sir. I think he was the best host and we had a blast with him, which is why I remember in the first episode I used my very coveted pickup line. Yes, you did. मुझे भी बोलना है. मुझे क्यों बोलना है? आपको भी आया होगा. मैं होस्ट और दोस्त हूं, मैं कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, हाँ ठीक है. मैं स्टार्ट करूँ? यस प्लीज. राजा सर, आपको फोन तोड़ देगा.
क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा. Yeah, it's exactly. और सचिन बुरा मत मानियो बट आगे किया बुरा मत मानियो प्लीज बुरा मत मानियो भाई मुझे ऐसे बट आगे थी क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा इट्स ओके इट्स ओके नहीं बट यार मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं मुझे लक्ष्य पाया ये बात सुन देखा 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 मैंने बोला सर हंसती है अच्छा समझ गया लास्ट एपिसोड देखने के बाद फिर दिल बह गया नहीं नहीं ऐसा नहीं है बट मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि उस पे बनता भी थोड़ा क्योंकि यार वो इरिटेटिंग थी और काफी ज्यादा ओवर कर दिया और मैं ना सच बता रहा जब हम लोग सीजन कर रहे थे थ्रू आउट मैं हर्ष को देखता था एंड में उससे बोलता था भाई तू तो बहुत बेवकूफ लगने वाला है ऑन टेलीविजन सच बता रहा हूं सही बोला हां मतलब कि लोग भी बोल रहे हैं अभी और उसको देख देख के ऐसे लगता है टेलीविजन पे बस यार सब दिखाओ ये दो लोगों को मत दिखाओ एक का मैं नाम नहीं शो भी का बुरा तो नहीं मान गए भाई नहीं शो शो भी का मेरी सॉरी आई टेल यू समथिंग भाई मैं आप लोगों को जानना चाहूंगा ऐसा एक कौन सा यहां पे कंटेस्टेंट होता अगर वो यहां होता तो एक भी बॉटल नहीं बचती अगर वो यहां उसको बुलाते मैं सबके लिए बात कर सकता हूं शिवित मेल में शिवित और फीमेल में आखिर दे आपको क्या लगता है इट इज जस्ट माय ओपिनियन आई लाइक एवरीवन आई थिंक कशिश भी तोड़ती काफी बॉटल आकृति के नाम पे आकृति के नाम पे भी आती है हाँ मतलब ठीक है ले आए वापस गुड कपड़े तो अच्छे पहन गए कपड़े मतलब पर्पल बन गए शॉकिंग भी था और पिंक भी था अच्छा है मतलब देखो देयर इज नथिंग टू लूज अगर आपको लगता है कि कोई कंटेस्टेंट इंपॉर्टेंट है शो का पार्ट है और शो को कुछ कर सकता है शो पर आके तो डेफिनेटली इट्स गुड अगर आप नहीं किया तो वो बात पर अलग है आई मीन आई थिंक इट डेफिनेटली एडेड अ लिटिल स्पाइस टू लक्ष्य'स लाइफ एंड दे नीडेड दैट ही वाज मिसिंग इट एग्जैक्टली बोलूं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस समय पे कि मेरे को बस एक पॉइंट था कि हां वो आया है तो अभी मैं आइडल मैच में चीजें चेंज होने वाली है बाकी आ गया तो ठीक है भाई पहले भी वही किया और अभी वही कर रहा है तो डजंट मेक सेंस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मतलब एज इन शो खेल रहा था गेम के लिए आया था और आई डोंट हैव एनी इशू विद दिस सचिन एंड शोभिका लाइक यू आर फ्रॉम योर साइड लाइक यू आर द ओनली टू पीपल्स इन द स्प्लिट्स विलेज इनको कोई एक कपल से वो बॉन्ड नहीं बना लाइक यू गाइस नहीं मेरे तो बहुत सारे बने अरे इसके तो बहुत सारे बने हमारा भी तो बना है कि मैं रिमेंबर तनुज मैंने बोला था आउट ऑफ आ जाएगा फैला हुआ है फॉर द एंटायर शो मतलब देयर वर नॉट मेनी कपल्स इन गोइंग अराउंड तो क्या शो के बाहर यू गाइस आर देयर साथ ही साथ फैंस की भी बहुत एक जो क्वेरीज थी उनके साइड से लाइक दे वर लाइक यू गाइस वेंट सो अर्ली सो व्हाट डू वांट टू से फॉर दैट पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा सचिन के बारे में कि यार ये टेस्ट मैच नहीं है इसको टी20 खेलने में मजा आता है अभी आगे का बोल दे नहीं आई थिंक डेफिनेटली मैं जब डंप हुआ था जैसे मुझे नहीं एक्सपेक्ट करता कि यार इतना जल्दी एलिमिनेशन हो जाएगा बिकॉज़ मैंने डे 1 से बोला था आई एम इन इट टू विन इट मैं जीतने के लिए आया था और आई वाज हियर फॉर द गेम आई वाज हियर फॉर माय सेल्फ तो डेफिनेटली खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इतना टाइम टास्क परफॉर्म करके जीत के आई थिंक जितने भी टास्क परफॉर्म किए हैं सब में दिल से परफॉर्म किए और सारे टास्क ऑलमोस्ट जीता हूँ सो यू नो व्हेन यू आर क्लोज टू फिनाले और जब बोलते हैं ट्रॉफी के करीब होते हो और वो चीज़ें आपके हाथ से छिन जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है इनफैक्ट जितने भी लोग मेरे चाहने वाले उन लोगों ने इतने मैसेजेस किए बहुत सारे लोग रोए उस दिन तो आई थिंक विनिंग और लूजिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ मैंने लोगों के दिल जीत लिए काफी है So no, I didn't make a long-standing connection in the show. I mean, I tried, but it didn't really happen. Sachin, jitne connection to nahi bana paye main, but next time I'll try ki itne connection ban jaye. And next time I'll try karegi itne jaane Next time try karne wali hai. Abhi we have seen it promos mein Fezo Jannat bhi dikh rahe hain abhi next promo jo aaya usme. So kya cook ho raha hai? Wild card entry hai na, pata nahi promo dega nahi wild. Wild card entry bola to ja raha hai aisa, but rest abhi. Lag to kuch. Acha Sachin tujhko nahi pata? अरे तेरे को कैसे नहीं पता देखो सैटरडे संडे ऑन जियो सिनेमा एमटीवी 7 PM ओके लास्ट आप सब जानना चाहूंगा कि आपके सबके नजरों में कौन विनर है अभी जितने बच्चे हो उनमें से आप सब के लिए आके प्यार प्यार विनर लव यार लव इज द विनर आप चाहते हो जो जीतना तो आप कौन लोग जैसे जो जीतना देखना चाहोगे मैं देखना चाहूंगा ऑफ कोर्स दिग्विजय को बिकॉज आई लाइक हिज गेम इन द बिगनिंग ऑल्सो भाई भी है बट ये ऐसे नहीं कि अगर भाई नहीं होता तो मैं उसके लिए नहीं बोलता देखना नहीं चाहता यार देख मैं ऐसा नहीं बोलता खुद को देखना चाहता नहीं चाहता वो तो मैं जीत गया तो अपना नाम क्यों लूं बट स्टिल सेकंड पॉइंट इज कि हां जिसको देखना चाहता हूं दिग्विजय था वो नहीं जीत पाया मैं जीत गया बट स्टिल मैं देखना चाहता था दिग्विजय को बट ऑनेस्टली आई फील मैं जब डंपिंग करके निकला था जो भी मेरी फ्रस्ट्रेशन थी बिकॉज क्या होता है ना जब आप शो पर जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर होती हैं बहुत पर्सनल लाइफ बाहर आ गई बहुत कुछ हो गया मैं डेफिनेटली जो बोलकर गया था वो शायद हो जाए तो अच्छी बात है बट रेस्ट
सब लोग बोलते हैं भाईचारा भाईचारा, हम बोलते नहीं, हम लोग आते हैं हमेशा दिल पे जाना पड़ेगा सर आपके साथ राजा और उसकी राजकुमार आई थिंक द बेस्ट वन शोभी का यू इजी आंसर फ्रॉम मी आई थिंक हर्षन और शाली शुड विन ओके थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच